आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो टू एवरीवन, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में आपका जो क्लोरीन है वो आपका इनमें से किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फाइन, सो देखो, ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ये आपका क्या है, रिडॉक्स से क्वेश्चन है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करती हूँ, सो आपके पास जो इक्वेशन है इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी स्पीशीज आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है एंड कौन सी रिड्यूस हो रही है। फाइन, सो उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। सो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आयरन जो है वो आपका क्या प्लस टू में प्रेजेंट है और यहाँ पर आयरन जो है वो आपका क्या है प्लस थ्री में। सो आयरन बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। फाइन, एंड अगर मैं यहीं पर बात करती हूँ देखो आपके क्लोरीन की, सो क्लोरीन आपका यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर माइनस वन में। सो यहाँ पर आपका जो क्लोरीन है वो आपका बेसिकली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फाइन, वन मोर थिंग आपको यहाँ पे समझनी होगी कि देखो ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है कि जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही होती है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस टू से प्लस थ्री जा रही है, इसलिए हम कहेंगे कि आयरन इज ऑक्सीडाइजिंग और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। सो आपको कहेंगे कि ये स्पीशी आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। फाइन, क्लियर। और किसी भी रिएक्शन में जब आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है, सो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फाइन, अब देखो, अब आपको यहाँ पर ये जानना है कि ये जो आपके पास यहाँ पर क्लोरीन है ये आपका क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या कैटलिस्ट है, या एक इनर्ट मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। सो देखो, आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्लोरीन इटसेल्फ क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फाइन, बट यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ऐसी स्पीशीज जो खुद तो रिड्यूस होती हैं बट दूसरे सब्सटेंसेस करती हैं, उन्हें हम कह देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराएगा। फाइन, सो एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराता है बट खुद का अगर रिडक्शन कॉज करता है, तो उसे हम कह देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ से आप बोलोगे कि क्लोरीन आपका क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फाइन, वन मोर थिंग आपको यहाँ पर समझनी होगी, देखो रिड्यूसिंग एजेंट ये हो नहीं सकता अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैटलिस्ट ये एक्ट कर नहीं सकता, बिकॉज कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बस रिएक्शन का रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बट वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो ये ऑप्शन वैसे नहीं होगा। और ऑप्शन फोर आपका क्या होगा, वो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो बोल रहा है कि इट इज प्रोवाइडिंग एन इनर्ट मीडियम, नो इट इज गेटिंग इटसेल्फ रिएक्टेड टू द रिएक्टेड FeCl2। सो अगर वो रिएक्ट कर रहा है, सो इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी इनर्ट मीडियम। सो ऑप्शन वन आपका करेक्ट होगा। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।